समूचे प्रदेश में बीते 3 महीनों से 1983 टीटीआई संघर्ष समिति के सदस्य अपनी नौकरी की बहाली को लेकर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज 7 जिलों से 1983 टीटीआई संघर्ष समिति के सदस्य गृह, स्वास्थ्य एवं शहरी निकाय मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पहुँचे और अपना ज्ञापन सौंपा। समूचे प्रदेश में लगभग 97 दिनों से अपनी नौकरी की बहाली को लेकर 1983 पीटीआई संघर्ष समिति के 7 जिलों सदस्य आज गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। 1983 पीटीआई संघर्ष समिति के प्रेस सचिव दिलबाग झांकड़ ने बताया कि बीते दिनों करनाल में हमारी विशाल रैली हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मंडल ने हमें लिखित में दिया था 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमारी समिति ने और सर्व कर्मचारी संघ एवं अध्यापक संघ ने यह फैसला लिया था कि हम प्रदेश के सभी मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इस मामले पर वह भी मुख्यमंत्री के सामने हमारा पक्ष रखें। आज गृह मंत्री अनिल विज हमसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री को समझाएंगे कि कर्मचारियों से उलझना अच्छा नहीं होता और इनका जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। मेरा नाम दिलबाग जाखड़ है। मैं 1983 पीटीआई शारीरिक शिक्षक संघ समिति का प्रेस सचिव हूँ और निर्माण का रहने वाला हूँ। सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप समय समय पर हमारी बातें उठाते रहते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। हमारी एक करनाल में रैली हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल ने आके 1 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के लिए लिखित में आश्वासन दिया था। उसके बाद हमारी सर्व कर्मचारी संघ, अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघ ने एक निश्चय लिया कि 17 से लेके 27 तारीख तक हम हरियाणा के 11 मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे और 1 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में हमारा सभी मंत्री सहयोग दें। इसके लिए हम पहले 17 तारीख को, आज 19 तारीख को अनिल जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। अनिल जी ने हमारे को आश्वासन दिया कि मैं समय समय पर पहले भी पीटीआई के मुद्दे के बारे में सीएम को अवगत करा चुका हूं कि कर्मचारी से उलझना अच्छा नहीं होता, और अनिल जी ने बोला है कि मैं 1 तारीख को भी स्पेशली मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन करके बताऊंगा कि इन 1983 पीटीआई का समाधान निकाला जाए। धन्यवाद सर।